ऐसे ही मैं फरूखदुल्ला साहब को फिर कहना चाहता हूं, तड़क फड़क के बयान करने चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर चंबेड़ मारनी चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर जूता मारना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए जो हमले पर हमले करवाता आ रहा है। पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं, आप जे भूल जाओ भाई कश्मीर आपका होगा, ये कश्मीर आपके बाप का नहीं, ये कश्मीर हमारे भारत का है, और पाकिस्तान का दिमाग जो है वो पागल हो चुका है, तो इसलिए ये भड़काया हुआ है, ये ऐसे ही घटिया मुल्क है पाकिस्तान जो कि हमले पर हमले करवा रहा है। डॉक्टर फरूखदुल्ला साहब ने जो जवाब दिया है, जो बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैंने सुना है, मुझे खुशी हुई है इस बयान की, उन्होंने बहुत सख्त तरीके से बयान दिया है। मेरा बस चले तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है इनको जूतों का हार पाके गली गली फेरना चाहिए खोते पर चढ़ाकर, ये बहुत घटिया लोग हैं। ऐसे ही मैं फरूखदुल्ला साहब को फिर कहना चाहता हूं, तड़क फड़क के बयान करने चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर चंबेड़ मारनी चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर जूता मारना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए जो हमले पर हमले करवाता आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। आपने सुना होगा दो दिन पहले जो है गांदरबल में टेरर अटैक हुआ, और लगातार ऐसे टेरर अटैक जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस हमले को जो है बाबा चंचल जी कैसे देखते हैं। बाबा जी कैसे देखते हैं इस टेरर अटैक को? देखिए, मैं सबसे पहले जो गांदरबल में हमला हुआ है मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं, आप जे भूल जाओ भाई कश्मीर आपका होगा, ये कश्मीर आपके बाप का नहीं, ये कश्मीर हमारे भारत का है, और हमले पर हमला करना इसको बंद करना चाहिए। मैं पाकिस्तान की निंदा करता हूं, और जो पाकिस्तान हमले पर हमले करवाता है ये बहुत एक घटिया देश है, इसका जो प्रधानमंत्री है वो एक बहुत गिरा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे भी ये अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तान को बॉर्डर तोड़कर उग्रवादियों के कैंप तबाह करने चाहिए, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम कितने ही चिर पाकिस्तान के हमले जो हैं वो जीतते रहेंगे, हमें पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है जे एक पागल हो चुका है, पाकिस्तान को मालूम है जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है यह बहुत फुल पावर से हुआ है, जो पिछले 70 वर्ष का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था वो इस बार हुआ है, और पाकिस्तान का दिमाग जो है वो पागल हो चुका है, तो इसलिए जे भड़काया हुआ है, ये ऐसे ही घटिया मुल्क है पाकिस्तान जो कि हमले पर हमले करवा रहा है। और मैं इसके साथ साथ धन्यवाद करता हूं गवर्नर साहब का, जिन्होंने कहा है भाई ये जो हमारे वहां लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार का भी गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, और उनको नौकरी भी जो है वो दी जाएगी, जो गवर्नर साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नर साहब का, और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी आवाज जो है इन लोगों के हित में उठाई है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बाकी पाकिस्तान को मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान अपने मुल्क को संभाल, जो आपका मुल्क भूखा मर रहा है, कहीं आटा चावल भी नहीं आपके लोगों को मिल रहा, तो आपने अपने मुल्क को देखना चाहिए। आप ऐसे घटिया काम जो है ये आपने छोड़ने चाहिए, वो वक्त याद करना चाहिए जब अमरीका ने पूरे कपड़े खिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तो वहां तलाशी ली थी। आप जैसा तो गिरा हुआ इंसान कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा घटिया मुल्क पाकिस्तान, तो मैं निंदा करता हूं इस पाकिस्तान की, जे बहुत भूखा और घटिया मुल्क है। इसीलिए पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो है ये एक उग्रवादियों की फैक्ट्री है, मिलीडंटों की फैक्ट्री है, पत्थरबाजों की फैक्ट्री है, नशे की फैक्ट्री है। पाकिस्तान एक चोर मुल्क है, तो ये जो अच्छे लोग पाकिस्तान में रहते हैं ये उनकी भी ये बलदामी करवाने वाला ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मेरा बस चले तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है इनको जूतों का हार पाके गली गली फेरना चाहिए खोते पर चढ़ाकर, ये बहुत घटिया लोग हैं। बाबा जी, जैसे कि गांदरबल हमले में जो है वो 7 हिंदुओं की जो है वो जान चलेगी, जिसमें से हम बोले एक जो है शशि भूषण अब्रॉल वो जम्मू के रहने वाले थे, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है पीछे रह गए, और मात्र वो ही कमाने वाले उस घर पर थे। देखिए, ये बहुत जुल्म किया इन लोगों ने, जो हमला हुआ है मैं इसकी निंदा करता हूं, बहुत जुल्म हुआ है। जे हर पूरे भारत में जे इसका उस दिन शोक मनाया गया था, हर आदमी ने पाकिस्तान की निंदा की है,
तो मैं सरकार के आगे ही यह अपील करना चाहता हूं बार बार, पाकिस्तान को एक बार जवाब हमें देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऐसा जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान की थाली में जो खाना पड़ा होगा ना, वो थाली छोड़ के भी भाग जाए, ऐसा जवाब देना होगा। चंचल जी, जो कि आपने भी सुना होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान निकल कर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो उनको ये आतंकवाद जो है वो खत्म करना होगा पहले। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो जवाब दिया है, जब बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैंने सुना है, मुझे खुशी हुई है इस बयान की। उन्होंने बहुत सख्त तरीके से बयान दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है, उग्रवाद के खिलाफ बयान दिया है, और मैंने सुना है ऐसे ही लीडरों ने बयान देने चाहिए, देश हित के बयान होने चाहिए, हमें अपने देश के हित के बयान करने चाहिए, अपने जवानों के हित के बयान करने चाहिए, अपने देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, देश के हित के बयान होने चाहिए। जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिए हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, वो बयान मैंने सुने हैं। ऐसे ही मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को फिर कहना चाहता हूं, तर्क फर्क के बयान करने चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर चंबेड़ मारनी चाहिए, पाकिस्तान के मुंह पर जूता मारना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए जो हमले पर हमले करवाता आ रहा है। आखिरकार कब घाटी में ये आतंकी हमले बंद होंगे और कब निहत्तों को ये मारना बंद किया जाएगा, कब वहां से टेररिज्म खत्म होगा? लगभग लास्ट चरण पर जो पहुंच चुके थे हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने, भारत की आर्मी ने इनको लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इकड़ दुकड़ जो छुपे हुए हैं, जो चोरी हमले करते हैं लोगों पर, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको लगभग खत्म किया जाएगा। ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है, उग्रवाद को बख्शा नहीं जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनका खात्मा के तक किया जाएगा। तो इस समय हम आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आतंकवाद का खात्मा है वो जल्द किया जाएगा, खात्मा तो हो चुका है लेकिन जो बचे हुए आतंकवादी घूम रहे हैं उनका भी खात्मा जल्द से जल्द किया जाएगा, और जल्द ही कश्मीर घाटी में जो है वो पीस का माहौल जो है वो दिखता हुआ नजर आएगा। जरूर आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहेगा UNT के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, UNT जम्मू।